और यहाँ पे अपना खाना भी लग चुका है, रोटी सेव भाजी, यहाँ पे आलू भुजिया। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। अधिवेश आप लोग भी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अब देखिए ये मौसमी आ चुका है वैन में, ये मौसमी अपलोड होगा, फिर यहाँ रास्ता तिरपाल मारेगी, फिर यहाँ से निकलेंगे अभी। हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं डीएस कार ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। और आज हम लोग आए हैं लोडिंग करने के लिए, मैं और दीपेश, सिलीगुड़ी सुपरमार्केट, जिसे रेगुलेटेड मार्केट कहा जाता है, क्योंकि बहुत दिन घर में बैठे हम लोग, 10-12 दिन से घर में बैठे हुए हैं, कोई लोडिंग का खबर हो नहीं रहा है। हम कोशिश किए कि कोई पक्का माल का लोडिंग हो, लेकिन कोई पक्का माल का लोडिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं कच्चा माल लोड करने के लिए। और सुपरमार्केट से आज लोड होने वाला है अपना गाड़ी में फल, और ये फल लेके हमें कहाँ जाना है बाद में बता रहे हैं आप लोगों को, पहले करने देते हैं लोड, फिर मिलते हैं आप लोगों से। कुछ बोलना है दीपेश? दीपेश को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि दीपेश का भी मूड ऑफ है, बहुत दिनों से हम लोग घर में बैठे हुए हैं, और इसका भी अब फैमिली हो चुका है, और इस तरह घर में बैठना उसके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और मैं भी बहुत काफी गरीब फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, मेरे पास भी उतना कुछ हैसियत है नहीं कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ घर बैठ के, इसलिए गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, अगर गाड़ी चलेगा तो ही अपना पेट चलेगा, नहीं तो पेट चलाना मुश्किल हो जाता है भाई। अपना गाड़ी लोडिंग चालू है, और यहाँ दीपेश खड़ा होकर देख रहा है कि गाड़ी ठीक से लोड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और ठीक से माल रख रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संतरा और यहाँ पे ये एप्पल का पेटी है, सब यहाँ लोड हो रहा है। और कुछ सुपरमार्केट में इस तरह का नज़ारा देख सकते आप लोग मार्केट का। और वो साइड में अपना गाड़ी, और दीपेश निकाल रहा है गाड़ी क्योंकि दूसरा गद्दी में लगाना है, यहाँ सुपरमार्केट में इसी तरह होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इतना जाम लग चुका है गाइस, अभी गाड़ी लोडिंग पॉइंट में लगाना मुश्किल हो गया, देख सकते हैं मेरे आगे भी गाड़ी, इधर में गाड़ी, इसका तो ड्राइवर ही नहीं है, ये लाल वाला है चक्का ड्राइवर का गायब है, इस तरह रोड ब्लॉक करके रख दिया है। देखिए इधर पूरा जाम लग चुका है, आ गया अब इसका ड्राइवर, आ गया अब गाड़ी आगे करेगा तभी मेरा गाड़ी बढ़ेगा आगे, फिर पीछे का गाड़ी निकल पाएगा। गाड़ी तो लोड हो ही रहा है गाइस, तो बैठ के चाय भी पी लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, और काफ़ी इतना जाम भी लगा हुआ है कि बहुत टाइम लग रहा है लोड होने में, इतना जाम लग गया है। तो ये चाय वाली दीदी आई थी चाय देने के लिए, मतलब अभी सब ऑनलाइन ज़माना हो गया, गाड़ी में बैठ के भी चाय मिल जाता है ना दीपेश। चलिए अब उनको पेमेंट देते हैं, दे दो दीपेश पैसा। चाय टेस्टी बना है गाइस, बहुत टेस्टी है। दीपेश पी के बताओ, एकदम बढ़िया ना चाय। और ये क्या लेके आया हो कार्टून में तुम? स्ट्रॉबेरी खाने के लिए दिया है पार्टी। खाएंगे स्ट्रॉबेरी, अंदर स्ट्रॉबेरी है सही में? अरे बाप रे, ये देखिए अंदर स्ट्रॉबेरी, निकल कर दिया क्या? सच में दिया है खाने के लिए पार्टी? हाँ सही में स्ट्रॉबेरी, वाह क्या सुंदर लग रहा है, एक कार्टून तो देगा नहीं खाने के लिए, चलिए अगर खाने के लिए देगा तो एक कार्टून, चले दोनों भाई मिलके खा लेंगे। गाइस दीपेश 5 साल से काम कर रहा है मेरे पास, लेकिन अभी तक अपना लाइसेंस नहीं बना है, इसका कारण क्या है दीपेश? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, इसका जो आपका बोलते हैं क्या, पैन कार्ड ना, इसके लिए पैन कार्ड चाहिए, कब से मैं इसको बोल रहा हूँ पैन कार्ड बनवाओ पैन कार्ड बनवाओ, पैन कार्ड बना ही नहीं रहा है, तो ये जब तक पैन कार्ड बनाएगा नहीं तो मैं इसका लाइसेंस कैसे बनवा दूँ? अब आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि दीपेश को लाइसेंस बना देना चाहिए कि नहीं बना देना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और ये बच्चा को क्या बोले, ये अभी तक अगर लाइसेंस बना लेता अब से पक्का ड्राइवर हो जाता, या खुद का भी गाड़ी चलाता, या किसी और का भी ये गाड़ी चला पाता था, अब लाइसेंस अगर नहीं है तो जो मेन हथियार है वो हथियार नहीं रहेगा तो ये गाड़ी कैसे चलाएगा? शाम का 6 बज चुके हैं गाइस, अभी गाड़ी
अनलोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, यह देख सकते हैं। अब अभी इतना कम हो चुका है, अब पीछे और कुछ थोड़ा बाकी है, वही लाने के लिए गए हैं। और पीछे तो ये आपका खरबूजा है। 2:30 बजे गाड़ी को लगाए थे लोडिंग पॉइंट में, अभी शाम का 6 बज चुका है, 3.5 घंटा हो गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। पीछे थोड़ा सा बाकी है, पीछे थोड़ा सा डाल देंगे, फिर पीछे करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये मौसमी आ चुका है वैन में, ये मौसमी अपलोड होगा, फिर यहाँ रस्सा तिरपाल मारेगी, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी शाम का 6:30 हो चुका है गाइस, और गाड़ी लोडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, रस्सा तिरपाल भी हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं, पहले जाएंगे अपना जो ट्रांसपोर्टर है जिन्होंने लोड कराया था उनसे मिलना है, उनको ट्रांसपोर्टिंग जो चार्ज होता है उनको दे देना है, फिर निकल के बाहर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में तेल भरवाना है, पानी वगैरह भरना है, शीशा साफ करना है, फिर वहाँ से निकलेंगे। तो ये रस्सा वस्सा बांधना सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है गाइस, अब चलिए निकलते हैं बाहर। राजपेश चलो निकलते हैं बाहर, वही निकल के शीशा उसे साफ कर लेंगे, ठीक है? ठीक है गाइस, अभी मार्केट से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पेट्रोल पंप देख सकते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप में डीजल भी फुल कर लिए और पानी वगैरह भरना था सब पानी भर लिए, और यहाँ पे दीपेश शीशा साफ कर रहे हैं। अभी शीशा साफ करेंगे, पानी वगैरह मारेंगे गाड़ी में, अगरबत्ती जलाएंगे, फिर थोड़ा देर बाद ही निकल जाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी निकल के फ़ायदा है नहीं। और माल खाली होगा, सुबह के 6 बजे खाली होगा, और हम लोगों को जाना है कुछ बिहार, क्योंकि आप लोगों को हम बता ही नहीं देखिए कहाँ जाना है, तो हम लोग जाएंगे कुछ बिहार। तो यहाँ से करीब 160-170 किलोमीटर है, तो वहीं पे जाना है, सुबह खाली करना है, फिर देखते हैं रिटर्निंग में कुछ मिलता है कि नहीं, अब जैसे ही मिलेगा बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए यहाँ शीशा साफ कर लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस शीशा वगैरह पानी मारना हो चुका है बिल्कुल, और चक्का में पानी मार लिए और चेहरा वगैरह सब कुछ धो लिए, तो अभी जाते हैं भगवान को अगरबत्ती दिखाने के लिए, फिर यहाँ से हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। आप लोग भी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए हम लोग अगरबत्ती दिखा लिए, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस अभी रात के 8 बज चुके हैं, और अभी हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे खाना वगैरह खा के फिर यहीं से निकलेंगे, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे 8 बजे नो एंट्री खत्म होगा फिर निकलेंगे, क्योंकि 8 बजे तक नो एंट्री रहता है, पुलिस वाले ट्रैफिक में रहते हैं और काफ़ी दिक्कत करते हैं, ओवरलोड है, अनसेफ कंडीशन है, फाइन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो अनसेफ कंडीशन तो है, ओवरलोड तो है, तो बेकार का क्यों ही दे। तो उसने सोच रहे हैं कि 8 बजे के बाद ही निकलेंगे, नो एंट्री भी ख़त्म हो जाएगा, तो भले अपना सिलीगुड़ी नंबर है फिर भी परेशान करते हैं पुलिस वाले। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए मैं और दीपेश, खाना खाएंगे, तो अभी 8:10 हो रहा है, तो खाना खाते खाते निकलते 9 बज ही जाएगा, फिर कोई टेंशन रहेगा नहीं, बिंदास हम लोग आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो आ चुके हैं होटल में, तो यहीं पे खाना खाएंगे। तो गाइस यहाँ दीपेश का खाना लग चुका है, बात करो। तो वो चावल लिया है, और मैं ऑर्डर किया हूँ रोटी और सेव भाजी, तो मेरा अभी तक आया नहीं है, मेरा आ रहा है, तो जैसे ही आता है फिर शुरू करेंगे। और यहाँ पे अपना खाना भी लग चुका है, रोटी सेव भाजी, यहाँ पे आलू भुजिया। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। तो दीपेश जबरदस्त है। सो गाइस हम लोग तो खाना पीना खा के आ चुके थे गाड़ी में, तो अभी रात के 9:15 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सुपर मार्केट से मतलब सुपर मार्केट से निकल चुके हैं, जस्ट गेट के बाहर ही है। तो यहाँ पे तेल वेल भरे थे, पानी उनी मारे, पूजा उजा किए, खाना वाना खाए, तो अभी करते हैं सफर को कंटिन्यू, निकलते हैं कुछ बिहार के लिए। अभी रात के बज रहे हैं 1, और अभी हम लोग कुछ बिहार एंटर कर चुके हैं, और कुछ बिहार जो गेट है ये गेट के बाहर ही हम लोग खड़े हैं, ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है भाई, ये गेट के बाहर ही है। तो अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर है मार्केट, तो चलिए पहुँचते हैं मार्केट। तो अभी तो अपना लोकेशन में पहुँच गए हैं मार्केट में, जहाँ पे माल खाली होगा,
जहाँ पे खाली होगा मतलब वो गोडाउन तो अभी तक मिला नहीं, ये तो मार्केट एरिया है, तो मुझको जिस लोकेशन में आने बोले थे उस लोकेशन में आ चुका हूँ। और यहाँ पे कुछ भी यार कस्टमर केयर सर्विस सेंटर है शायद, कस्टमर केयर सेंटर, तो यहीं पर अभी खड़े हैं, तो अपना गाड़ी भी यहाँ पर लगा दिए हैं, तो अब सुबह ही पता चलेगा कि कहाँ पर खाली होगा। अब कोई तो दिख नहीं रहा है, सुबह जब लेबर आएंगे तो पूछना पड़ेगा, पार्टी का नाम बोलना पड़ेगा, फिर गाड़ी लगाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और गाइस लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक दबा के लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, और सुरक्षित रहिए, ये मैं कहूँगा। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।